हेलो ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो आप। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, इन द लाइफ दैट यू आर गोइंग टू लीड इन फ्यूचर। ठीक है, इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर एक्ट में बहुत सारे केस लॉज हैं विच आर इम्पॉर्टेंट बोथ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो ओवर द टाइम पीरियड हम वो भी देखेंगे, बट किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले वी नीड टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस। क्या है ये एक्ट, क्यों आई ये एक्ट, कब आई ये एक्ट, कहाँ अप्लाई होगी, एंड अगर हमने समझ लिया व्हाट दिस एक्ट इज़ ऑल अबाउट तो हमें समझ में आएगा कि कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए एक्ट आई है और कंज्यूमर्स को कुछ रेमेडीज या प्रोटेक्शन मिलता है। हाउ आर वी गोइंग टू अवेल दोज बेनिफिट्स, हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में हमें पढ़नी है। इसके अलावा वी हैव अ लॉट अदर थिंग्स टू ऑल्सो डिस्कस कि ये एक्ट अगर आई तो क्यों आई, वो तो हमने समझ लिया, पर इसकी जगह जो एक्ट चली गई है, वी ऑल नो दैट यू हैड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, उसमें भी अमेंडमेंट्स आए थे, उसके बाद भी इतनी पुरानी एक्ट पूरी की पूरी रिपील हो गई, हट गई और ये फ्रेश एक्ट आई है। सो व्हाट वाज द रीज़न, और वो हट गई या थोड़ी हटी है या थोड़ी अभी भी एप्लीकेबल है, क्या है क्या नहीं है, सब समझेंगे एक एक करके। बट उसके पहले थोड़ा सा बात करते हैं आज के सिनारियो की, बिकॉज अगर हम आज का टाइम समझ पाएंगे तब हम आज की एक्ट समझ पाएंगे। इट इज़ अ वेरी रीसेंट एक्ट, राइट? सो इट इज़ मेड, इट हैज़ बीन मेड कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिनारियो। आज की अगर सिनारियो की हम बात करें तो चलो थोड़ा इन हाउस शुरू करते हैं, थोड़ा घर से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम बिजनेस पे जाएंगे। जब हम अपनी मदर्स को बोलते हैं सुबह उठाने के लिए, वेल अब मेरे साथ ऐसे केसेस नहीं होते हैं, बट अगर आपकी मैं बात करूं तो आप आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ये हुआ करता होगा। आप अपनी मम्मी को अगर बोलोगे कि सुबह 7 बजे उठा देना, तो वो आपको 6 बजे उठा के बोलेंगे कि 8 बज गए, उठ जा। ये क्या है? आपको नहीं लगता आपके साथ धोखा हो रहा है, इन हाउस धोखा हो रहा है? कल मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला बिरयानी बनाने को, तो मैंने बिरयानी बना दी आज। और जब मैंने बिरयानी बनाई तो बिरयानी खा के मेरे हस्बैंड बोले कि वाह क्या खिचड़ी बनी है। क्या हुआ ये धोखा? किसके साथ हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ। अब देखो, ऐसी कभी कोई बात मैं बोल देती हूँ ना तो बच्चों के मन में इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि पूरा क्लास तो वो सुन लेंगे, क्लास के बाद सब्जेक्टिव डाउट्स आज एक भी नहीं निकलेगा। आज डाउट्स क्या होंगे, मैम वो खिचड़ी बिरयानी वाली बात सही थी क्या? तो खैर, जिसको जो समझना है समझिए, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट धोखा। इन हाउस धोखे हो रहे हैं, बट ये धोखे हेल्दी होते हैं, गुड फॉर हेल्थ एंड ब्यूटीफुल होते हैं। बट इमेजिन फेयर एंड लवली 4 दिन में 14 दिन में वट एवर इट इज़, 4 हो या 14 डेज हो, आपको ऐसे से ऐसा बना दे, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा, खूबसूरती आपके कदम चूमेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्या ये धोखा नहीं है? थोड़ा सा फॉल्स, थोड़ा सा मिसलीडिंग नहीं लग रहा? कभी ऐसा हुआ है जैसे आप शॉपिंग करने गए और आपने साइज लिया 2XL और एक वॉश के बाद वो हो गया आपका साइज स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, तो कहाँ 2XL से कहाँ एक्स्ट्रा स्मॉल, इट इज़ नॉट गोइंग टू फिट, राइट? तो ये आपको नहीं लगता कि आपके साथ धोखा हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अब थोड़ा सा समय को बदलते हैं, थोड़ा सा समय को बदलते हैं, ये सब चीज़ें टाइम्स हैं कि होती आ रही हैं और होती चली जा रही हैं, राइट? बट बदला क्या है, क्योंकि ये एक्ट बदली तो कुछ ना कुछ तो बदला होगा, तभी ना ये एक्ट बदली। सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज जो हमारी इकोनॉमी में आया है, दैट इज़ टर्निंग इनटू ऑनलाइन, राइट? हम पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, टुवर्ड्स ऑनलाइन सर्विसेज। तो वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों अब हमें कहाँ मिल रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बायर को, बायर हमको जानता नहीं है, सबसे पहली बात। अगर हम कहीं फिजिकल शॉपिंग करने चाहते हैं, वी यूजुअली एंड अप टू द प्लेसेस वी नो। हम कोई नई शॉप में एंटर करने से पहले 2 बार सोचते हैं, पता नहीं यहाँ पे गुड्स कैसे मिलते हैं, कभी यहाँ से शॉपिंग की तो नहीं,
कुछ बहुत अट्रैक्टिव होता है तो ले भी लेते हैं, राइट। बट ऑनलाइन में तो आप किसी को नहीं जानते हो, तो ऑनलाइन में चीटिंग के चांसेस और ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं। एंड बिकॉज वो पुरानी एक्ट थी तो उसको नहीं पता था कि अच्छा ऐसे क्लिक करके भी शॉपिंग कर सकते हैं। वो पुरानी एक्ट थी, कौन सी एक्ट की मैं बात कर रही हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो समय बदल रहा है, धोखे आज भी हो रहे हैं, ऑल दो हम बड़े फेमस और इसको प्रमोट करते हैं समथिंग द कंसेप्ट कॉल्ड एज कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसका मतलब क्या होता है, लेट द कंज्यूमर बी द किंग। लेट क्या, कंज्यूमर इज द किंग, राइट। तो कंज्यूमर अगर राजा है तो कंज्यूमर राजा है। कंज्यूमर मतलब कौन, वन हु कंज्यूम्स। जब हमारी बर्थ होती है तब से अभी तक आपने न जाने कितने गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया होगा, राइट। स्टार्ट हम करते हैं मिल्क, सोप, वाटर, ऑल योर नेसेसिटीज, यू आर ऑल कंज्यूमिंग इट, राइट। तो जब हम बोलते हैं कि कंज्यूमर, जो हम सदियों से हैं, राइट, जितनी आपकी एज है उतने पुराने आप कंज्यूमर हैं और आप राजा हैं। मैम आज ही एहसास हुआ कि हमारी इतनी वर्थ है। कंज्यूमर इज द किंग, ऑल दो हम ये कहते हैं, येट हम यहाँ पे उन्हीं को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अरे प्रोटेक्शन तो प्रजा को मिलना चाहिए, कंज्यूमर तो राजा है। बट कंज्यूमर इज द वन हु इज गेटिंग एक्सप्लॉयटेड बाय द सो कॉल्ड बिजनेस हाउसेस। क्यों होता है एक्सप्लॉयटेशन, कैसे हो सकता है, किस किस सिनेरियो में हो सकता है, क्या बिजनेसमैन हमेशा गलत होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन हमेशा गलत हो, बट लॉ बनाया जाता है पब्लिक के लिए, उस पब्लिक में से ही क्रिमिनल्स उठ के खड़े होते हैं, तो सारे लोग क्रिमिनल्स हैं ऐसा नहीं बोला जा रहा है। बट प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंज्यूमर्स को, क्योंकि कंज्यूमर्स को ऐसी पोजिशन में डाला जा रहा है जहाँ दे आर चीटेड। ऐसा नहीं है कि कोई और एक्ट प्रिवेल नहीं करती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गई, आपकी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट होती है, आपकी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होती है, आपकी फूड एडल्टरेशन एक्ट होती है, देन अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेरा, ये सब चीज़ें क्या हैं, दैट इज रियल स्टेट डेवलपमेंट एक्ट। बहुत सारी एक्ट्स बनी हुई हैं जहाँ पे हर जगह वन हु इज कंज्यूमिंग, वन हु इज अवेलिंग गुड्स और सर्विसेज, उनके बेनिफिट के लिए बातें कही गई हैं कि अगर आप कोई सामान जाके खरीदते हैं और आपको गलत सामान मिल जाता है तो आपके पास राइट है कि आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर अभी हम बात करें तो, ठीक है। तो ये राइट तो बहुत सारी एक्ट्स में आपको दिया गया है, देन व्हाई दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है? क्योंकि इन सब एक्ट्स में आपको अलग अलग स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से चीजें दी गई हैं, एंड यू हैव अ लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स टू फॉलो। इस एक्ट में आपको एक स्पीडी मैकेनिज्म मिलेगा, जहां पे कम कॉस्ट में, बिकॉज कोर्ट, लिटिगेशन, केस फाइल करना, इससे लोग दूर भागते हैं। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ भी है, हम मैगी लेके आए, मैगी का एक पैकेट और हमने खोला, अब मैगी इज अ ब्रांड सो आई विल नॉट यूज दैट वर्ड, बट अगर हम कोई नूडल्स लेके आए और नूडल्स का हमने पैकेट खोला और उसमें से कॉकरोचेस निकले, तो ये क्या है? मैंने ये पहले भी आपको शायद बताया है, बट ये क्या होता है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, बट हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो हम क्या करेंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे, दूसरा पैकेट खोलेंगे, नूडल्स बनाएंगे, खा लेंगे। बट आपको अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, जैसे अगर हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू रेज कंप्लेंट्स। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपने बिग बास्केट हो गया, आपके बहुत सारे नए नए ग्रो कर रहे हैं, तो आपने उससे क्या किया, अगर शॉपिंग की और आपको कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट मिल गया, इमीडिएटली यू से सेंड अ कंप्लेंट और तुरंत आपको रिफंड आ जाएगा। तो ये तो कंपनी कर रही है, पर अगर ये कंपनी ऐसा नहीं करती है तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए ये एक्ट बनी है। ऐसे कंज्यूमर्स जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनी है। मैम एक्ट तो पहले भी थी, क्या हमारे पास 1986 एक्ट नहीं थी? बिल्कुल थी। तो फिर ये एक्ट क्यों?
पहला मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि समय बदल रहा है और समय के साथ हमारे गुड्स को सर्विसेज को लेने के तरीके भी बदल रहे हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड दैट। ये जो पुरानी एक्ट थी, ये कितनी पुरानी थी आप समझ रहे हैं? मोर देन 3 decades पुरानी। एक डिकेड मतलब 10 साल, 30 साल से ज़्यादा पुरानी ये एक्ट थी। तो इतनी पुरानी एक्ट आज के समय में कैसे चल पाएगी? और तो इस एक्ट ने कोशिश बहुत की कि समय के हिसाब से मैं बदलती रहूं। 3 बार तो इसमें आए अमेंडमेंट्स, 1991, 1993, 2002, बट इन अमेंडमेंट्स के बावजूद ये एक्ट आज के पेस के हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी, वो पर्पस नहीं सॉल्व कर पा रही थी जो पर्पस इस एक्ट का होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई अ नीड वॉज फेल्ट कि इस पूरी की पूरी एक्ट को आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए और इसकी जगह एक नई एक्ट लेके आइए। सो अगर हम बात करें इस नई एक्ट का, तो ऐसा नहीं है कि पहले आपके प्रोविजन्स नहीं हुआ करते थे। डेफिनेटली बहुत सारे प्रोविजन्स अभी भी आपको कॉमन ही मिलेंगे। कॉमन क्यों मिलेंगे? पहले भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात होती थी, अभी भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, बट सर्टन लिमिट्स हैव बीन रिवाइज्ड। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी एक CCPA अथॉरिटी बनाई गई है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन एंश्योरिंग कि सारी चीज़ें ऑर्डर में हो रही हैं। सो दैट इज़ मेजर स्टेप फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स। कंप्लेंट्स वगैरह को भी ई फाइलिंग का दिया है, पेनाल्टीज वगैरह लगाई गई हैं, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात है, कोर्ट में ना जाना पड़े फॉर जो केसेस हमारे बढ़ जाते हैं उनके केसेस में अपील्स कोर्ट वोट, तो उसकी जगह आपको एक ADR का भी प्रोविजन दिया गया है। व्हाट इज ADR? इट इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जैसे हमारा आर्बिट्रेशन होता है, कंसीलिएशन होता है, मीडिएशन होता है, वैसे ही तो इसमें मीडिएशन का भी प्रोविजन दिया गया है ताकि इस डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट मतलब कंज्यूमर और जो सेलर है उसके बीच जो मतभेद है, दैट मीन्स दे डू नॉट एग्री ऑन द सेम पॉइंट। अभी हम सब पढ़ेंगे, व्हेन आई एम सेइंग एनी वर्ड दैट इज कंज्यूमर, बायर, सेलर, डिस्प्यूट, हर एक वर्ड का इतना गहरा मीनिंग है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, बैकग्राउंड बना रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बैकग्राउंड बिफोर यू स्टार्ट एन एक्ट। आपको मैं डायरेक्टली डेफिनेशंस पढ़ाने लग जाऊंगी और आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा कि एक्ट क्यों है, क्या है, इंटेंशन क्या है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बोला जाता है हमेशा कोई भी एक्ट आप पढ़ो तो पहले उसका प्रीएम्बल पढ़ो। इट एक्चुअली सजेस्ट दैट लेजिस्लेटिव इंटेंशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो बहुत सारी एक्ट्स हैं और अब वो दिन गए जब हम कंज्यूमर को ये बोलते थे, आपने शायद एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्विट एम्प्टर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मीनिंग बस इतना होता है, लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। मैं कोई सामान लेने गई, मैंने 10 क्लॉथ वहाँ पे लगे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग क्वालिटी के हैं, अलग अलग प्राइसेस हैं। इट इज़ अप टू मी टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस कि मेरे रिक्वायरमेंट को क्या सूट करता है। तो ये क्या है कंसेप्ट कि लेट द बायर बीवेयर, सारी चीज़ें आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको सूट करता है वो आप लीजिए। मतलब अगर मैंने कोई गुड पिक किया, मैंने कोई भी क्लॉथ लिया जिसकी वर्थ मान लीजिए 500 रुपीज़ ही है, तो मैंने वो क्लॉथ उठाया 500 रुपये का, मैंने 500 रुपये पे किए, मैं घर गई और वो क्लॉथ एक वॉश में इतने से इतना हो गया, तो क्या मैं आके क्लेम नहीं कर सकती कि आपने क्या दिया है मुझे? क्या वो बोल सकते हैं कि लेट द बायर बीवेयर? आपको समझना चाहिए था ना, हमारे पास तो 5,000 का भी कपड़ा है, वो श्रिंक नहीं करेगा, आपको वो लेना चाहिए था, आपने क्यों लिया ये 500 का कपड़ा? सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल द सिचुएशन। तो पॉइंट ये है कि यहाँ से कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब इसके लिए अगेन मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इज द किंग,
कंज्यूमर इज द किंग, मतलब कंज्यूमर को तो आपको सबसे ऊपर रखना है। बहुत सारे शॉप्स पे लिखा भी होता है या मानते भी हैं कि कस्टमर तो भगवान के समान होता है। क्या सच में कस्टमर्स को भगवान माना जाता है? कस्टमर्स को भी देखो, उनकी भी नीयत बहुत अच्छी नहीं होती। अगर उनको भगवान मान लेंगे ना, तो वो सर पे और चढ़ के बैठ जाएंगे। भगवान जैसे थोड़ी ना हमारी देने की इच्छा होती है, हमारी तो सिर्फ लेने की इच्छा होती है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स देखो भगवान होते नहीं है, ऑल दो कंज्यूमर इज द किंग ऐसा कंसेप्ट है, बट दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कहीं पे भी अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम पुरानी एक्ट के हिसाब से बात करें, एनी वन हु इज एग्रीव्ड कुड फाइल अ कंप्लेंट टू द अथॉरिटी फॉर एडिक्वेट रेमेडी। एनी पर्सन दैट इज एनी कंज्यूमर हु वॉज एग्रीव्ड कुड फाइल अ कंप्लेंट टू सर्टन अथॉरिटी फॉर एडिक्वेट रेमेडी। यही तो एक सर्कल था, इसी के इर्द गिर्द सारे कंसेप्ट रिवॉल्व करते हैं। अब कंज्यूमर की जगह हमने बोला कंप्लेनेंट होता है, मतलब कंज्यूमर खुद तो कंप्लेन कर ही सकता है, उसके अलावा कोई और भी कंप्लेन कर सकता है। कौन कर सकता है? लिखा है एक्ट में, पढ़ लो, पढ़ेंगे एक एक करके, सब पढ़ना है। ठीक है, कंप्लेंट किस बारे में कर सकते हो? लिखा है एक्ट में, कर लो। किसको कर सकते हैं? कितने दिन में कर सकते हैं? क्या रेमेडी मिल सकती है? सब चीजें एक्ट में लिखी है। So, ये चीजें 1986 वाली एक्ट में भी लिखी थी, अब वाली एक्ट में भी लिखी हैं। जैसे मैं एक छोटा सा अगर आपको एग्जांपल लूं तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स पहले सेक्शन 6 में डिफाइंड था। राइट्स ऑफ कंज्यूमर वही राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ऐसा थोड़ी ना हमारा अधिकार बदल गया, समय बदल गया तो अधिकार भी बदल गया। अधिकार आज भी हमारे वही हैं। वी हैव द सेम राइट्स एज कंज्यूमर्स। We have the right to be heard, we have the right to redressal, we have different rights. पर वो पहले कहाँ दी? सेक्शन 6 में लिखी थी। अब उसको सेक्शन 2 के ही एक डेफिनेशन की तरह कंज्यूमर्स राइट निकाल दिया। अब आप सोचोगे कि क्या हो गया, पूरी तो एक्ट बदल गई। देखो कंसेप्ट कभी नहीं बदलते, समय के हिसाब से बस वो मोल्ड हो जाते हैं, राइट? सो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का जो इंटेंशन है वो आज भी वही है, राइट? दैट इज़ वाई एक्ट का नाम नहीं बदला है, बस वो एक्ट आउटडेटेड हो चुकी थी, इतना समझ लीजिए। तो वो एक्ट हट गई है। अब दूसरा सवाल बच्चों के मन में जो ये आता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के आने के बाद क्या हमें पुरानी एक्ट भी पढ़नी है? देखो अगर पुराने में मन लगाए रहोगे तो नए से रिश्ता नहीं जोड़ पाओगे। सो जब नई आई तो पुराने को भूल जाने में ही भलाई होती है, ठीक है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि नई को पढ़ते पढ़ते आपको कई बार पुराने की याद आए, बट सिर्फ यादों में बसाए रखना, दिल में मत बसाना, क्योंकि अब आपको कौन सी एक्ट आपके दिल में जगह लेने वाली है? ये नई एक्ट, ठीक है? तो जीना अब हमें इस नई एक्ट के साथ ही है। एक्ट की बात कर रही हूँ मैं, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कौन सी एक्ट पढ़नी है? यही एक्ट पढ़नी है, पुरानी पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। सो भूल जाइए कहाँ क्या लिखा है और कहाँ क्या है, आपको कौन सी एक्ट पढ़नी है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सारे कंसेप्ट इसी के, सारी चीज़ें इसी की, केस लॉज जो रेलिवेंट हैं इवन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? Now, let's start with certain concepts. मैंने अगर आपको एक छोटी सी बात बताई है इस एक्ट के बारे में, what this act is all about, किस legislative intention के साथ ये act आई है, तो सबसे पहले हम इसका preamble देखते हैं। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फॉर द सेट पर्पस टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। पहली चीज, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होंगे, कैसे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे? मैंने बोला कि आप रोड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम चाहते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट्स कम हो, इसके लिए हमने लॉ बनाया। अरे लॉ तो हम बहुत बनाते हैं,
बट लॉ इन्फोर्स कैसे कराते हैं? ट्रैफिक पुलिस लगाई, वो इंश्योर करते हैं कि लॉ इन्फोर्स हो, राइट? तो वैसे यहाँ पे भी हमने लॉ तो बना दिया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कौन मानेगा? चार दिन में पैसे डबल, ऐसी स्कीम्स आज भी चल रही हैं। तो ये क्या है, एक लॉ बना है, इसको एनफोर्स कराने के लिए कुछ अथॉरिटी भी बनानी पड़ती है ताकि टाइमली काम हो, इफेक्टिवली काम हो, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, ठीक है? जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे सेटल्स हों, इससे जुड़े हुए जितने मैटर हैं सब हो जाएं। सो दैट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। इस इंटेंशन के साथ ये एक्ट आई, ये एक्ट आपकी पास हुई, मतलब ये बिल आपका पास हुआ लोकसभा में ऑन 30th July, राज्यसभा में ऑन 6th August, इरेलेवेंट। फर्क नहीं पड़ता हमें कब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है दैट इट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 9th August 2019। दिस बिल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्ट एंड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 9th August 2019, ठीक है? क्या है ये एक्ट, हमको पता है ये एक्ट क्या है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए आई है। इस एक्ट के थ्रू कुछ अथॉरिटीज स्टैब्लिश होंगी जो इंश्योर करेंगी कि टाइमली और इफेक्टिवली ये एडमिनिस्ट्रेशन हो चीज़ों का, डिस्प्यूट्स जो हैं वो सेटल हो जाए और उनसे जुड़े हुए मैटर्स। कब ये एक्ट आई वो हमने देख लिया, कहाँ ये एक्ट आई, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है? और क्या बचा, वॉट हो गया, वाई वी हैव डिस्कस्ड सो फार, अभी तक हमने सारी चीज़ें जो डिस्कस की हैं सारी की सारी वाई का ही तो आंसर थी। क्या ज़रूरत थी इस एक्ट को लाने की? समय बदल रहा था, एक्ट को भी बदलना ज़रूरी था, ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नई एक्ट आई है। और दो हमारे पास कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट उस एक्ट को हटा के ये एक्ट आई है, ठीक है? क्योंकि अमेंडमेंट से काम नहीं चल रहा था, हेयर एंड देयर एक सेक्शन कभी अमेंड हो रहा है, दूसरा सेक्शन अमेंड हो रहा है, हर सेक्शन में अमेंडमेंट चाहिए तो इतना अमेंडमेंट नहीं हो सकता ना, फिर लगता है कि हटाओ इस एक्ट को और एक नई एक्ट ही ले आओ, ठीक है? तो इस वजह से हमारी एक नई एक्ट आई। तो हमारी अगर इस एक्ट में बात करें तो जस्ट लाइक द ओल्ड एक्ट वी हैव अ कंप्लेनेंट, ठीक है? कंप्लेनेंट जिसकी डेफिनेशन हमको सेक्शन 2 में मिलती है क्लॉज 5 में, जिसमें एक पार्टी कंज्यूमर भी है, ये अगर एग्रीव्ड होते हैं, ठीक है, या एग्जैक्टली ये एग्रीव्ड नहीं होते हैं, हमारा कंज्यूमर अगर एग्रीव्ड होता है तो वो कंप्लेनेंट बन सकता है। और ये क्या करते हैं, ये कंप्लेंट फाइल करते हैं। व्हाट इज कंप्लेंट गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर सीकिंग रिलीफ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर सीकिंग रिलीफ, क्योंकि अभी हमने कोई चार्ट नहीं शुरू किया है, अभी तो हमारा चार्ट शुरू होगा, तो एक्ट में क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई ये पुराने एक्ट में भी था, ठीक है, 1986 में भी ये एग्जिस्ट करता था। सबसे पहला सवाल ये कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स वी नीड टू नो व्हाट कंज्यूमर्स इज, ऑल्दो हम सब कंज्यूमर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो आपकी एज है आप समझ लीजिए कि आप उतने पुराने कंज्यूमर हैं, बिकॉज राइट फ्रॉम बर्थ वी आर कंज्यूमिंग वन और द अदर थिंग, कुछ सर्विस कुछ गुड्स हम कंज्यूम कर ही रहे हैं, पर इस एक्ट के हिसाब से जो कंज्यूमर कहलाएगा रेमेडी सिर्फ उसी के लिए है, रेमेडी सिर्फ उसी के लिए है, बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलेगा। तो इस एक्ट के हिसाब से हमें समझना जरूरी है कि कंज्यूमर कौन होता है। सो सबसे पहला, ऑल दो कंज्यूमर कैन बी वन ऑफ द कंप्लेनेंट हु कैन कंप्लेन, पूरी एक्ट में क्या है, मेरे साथ गलत हुआ,
मैं कंप्लेन करूंगी और मुझे एडिक्वेट रेमेडी चाहिए. हो सकता है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन हो सकता है मैं सामने वाले को चाहती हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन या जो धोखे की हम बात कर रहे हैं दैट कैन इवन बी लाइफ टेकिंग. कई बार ऐसा होता है जैसे आपके कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं, मैं एक प्रेशर कुकर लेने के लिए गई विच इज़ नॉट मीटिंग दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इट शुड हैव मेट, ठीक है. और उन्होंने मुझे गलत रिप्रेजेंट करके एक प्रेशर कुकर दे दिया. द फर्स्ट टाइम जब मैंने कुक करने की कोशिश की तो क्या हुआ, वो प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर गया एंड आई सफर डैमेजेस. तो अब मैं क्या करूँ, मैं शॉपकीपर के पास वापस लेके जाती हूँ तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हमारे दुकान का है ही नहीं प्रेशर कुकर, और आपने पता नहीं क्या किया होगा, क्या पता आपने फोड़ दिया है, नो वी डोंट बिलीव यू. अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरे पास क्या रास्ता है, ठीक है. सो मेरे कुछ अधिकार हैं, आई हैव सम राइट्स. अगर वो राइट्स मुझे नहीं मिलेंगे तो क्या होता है, दैट मीन्स आई एम बींग एक्सप्लॉयटेड, राइट. आई एम बींग एक्सप्लॉयटेड. हु इज़ बींग एक्सप्लॉयटेड? अ कंज्यूमर शुड हैव बीन एक्सप्लॉयटेड, राइट. तो एक कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर जो इस एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर है, उसके साथ कुछ गलत होता है. क्या गलत होता है, मतलब कंप्लेंट में भी स्पेसिफाइड थिंग्स हैं कि इन चीजों के लिए ही आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. अब आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ दाल मखनी शाही पनीर ऐसा कुछ मंगाया और आपको लगा कि शाही पनीर की जगह मुझे तो पनीर बटर मसाला मिल गया और इसके लिए आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो उनके हिसाब से वो शाही पनीर ही, आपका टेस्ट कुछ और है या उनका टेस्ट कुछ और है, तो ये नहीं होता, ठीक है. सो कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. कंज्यूमर इज़ द किंग अनडाउटेडली, और ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, पर अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाने देगी लॉ उसका भी, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हु अ कंज्यूमर इज, क्योंकि कंज्यूमर अलॉन्ग विद सर्टन अदर पीपल जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन होते हैं, कंज्यूमर अलॉन्ग विद सर्टन अदर पीपल कैन बी अ कंप्लेनेंट, मतलब वन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. ओके, सो फर्स्टली वी नीड टू नो हु अ कंज्यूमर इज. सबसे पहली और सबसे हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ओके. चलिए, आई होप आपने सुना होगा कि इस एक्ट को हम प्यार से कोपरा बुलाते हैं. हम पहले भी कोपरा बुलाते थे, हम आज भी कोपरा बुला सकते हैं बिकॉज एक्ट का हमारा नाम नहीं बदला है, ठीक है. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हाई इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू स्पीडी एंड यू कैन से बेटर और स्पीडी और सिंपल क्विक ईजी इस तरीके की रेमेडीज प्रोवाइड करता है हमको बाय एस्टैब्लिशिंग डिफरेंट काउंसिल्स, बाय एस्टैब्लिशिंग एन अथॉरिटी स्पेशली अंडर दिस एक्ट. कुछ आपका धीरे धीरे अभी आप पढ़ोगे, अभी मैं आपको सारे चीज़ें नहीं बताना चाहती, नहीं तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होने चले जाओगे. बट हैं कुछ बातें प्रोडक्ट लायबिलिटी वगैरह के बारे में जो इस एक्ट में नई इंट्रोड्यूस हुई हैं. क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, ये सब अभी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बट नाउ द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज. सवाल ये उठता है कि गुड्स क्या हैं, सवाल ये उठता है कि सर्विसेज क्या हैं. ये पहले डिफाइंड नहीं हुआ करती थी, नाउ दे आर डिफाइंड. बाइज फॉर कंसीडरेशन, यहां पे बाय का मतलब इंक्लूडिंग ऑनलाइन. बस अभी लिखते जाओ, अभी ये मैं आपको बताऊंगी. यूजर विद अप्रूवल ऑफ बायर हु कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ बेनिफिशियरी. हम बुला सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ
नहीं है एक्ट में। जो आपका कंसीडरेशन होता है इट कैन बी पेड, इट कैन बी प्रॉमिस्ड, इट कैन बी पार्टली पेड और partly promised or deferred payment भी हो सकता है। अगर हम सर्विस की बात करें तो one who hires or avails with सबसे पहली डेफिनेशन हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर की। सेक्शन टू क्लॉज सेवन कंज्यूमर का मतलब क्या है। अगर हम गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सबसे पहला सवाल ये उठता है कि गुड्स का मतलब क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 21 में गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि गुड्स का मतलब मूवेबल गुड्स होगा। मतलब पहली बात इमूवेबल गुड्स अगर हमारी लैंड बिल्डिंग ये सारी चीज़ें हैं तो ये इस पर्टिकुलर एक्ट में कवर नहीं होंगी। मतलब किसी ने आपको बिल्डिंग दी और धोखे से कुछ गलत दे दी या वो अब आपका सुन नहीं रहा है कुछ कर नहीं रहा है तो यू कैन नॉट हैव एनी रेमेडी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई रेमेडी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्ट आपसे बात करती है मूवेबल गुड्स की। इमूवेबल गुड्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो अगर हम गुड्स की डेफिनेशन को जाएं और जाके समझें तो हमको पता चलेगा कि देखो एक चीज़ और लिखी हुई है विच इज़ रिलेटेड टू फूड। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स फूड अकॉर्डिंग टू द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से फूड क्या होता है। फूड आपका रॉ भी हो सकता है, प्रोसेस्ड भी हो सकता है, सेमी प्रोसेस्ड भी हो सकता है। मतलब जो हमारा बना बनाया पिज़्ज़ा आप डोमिनोज से मंगाते हो वो भी फूड है, और जो आप फूड पैकेट्स मंगाते हो या आपने राइस मंगाया, आपने व्हीट मंगाया या आपने गेहूं मंगाया, कुछ भी आपने इस टाइप की चीज़ें मंगाई तो वो भी फूड है। ठीक है, एनी थिंग दैट इज़ मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब क्या होता है इंसानों का तो आजकल कोई वो है ही नहीं तो इंसान तो सब कुछ खाते हैं, राइट। ह्यूमंस ऑल्सो कंज्यूम फिशेस। और आजकल क्या है नई नई कंपनीज खुल रही हैं आपकी और नई नई कंपनीज आपको ऑनलाइन मीट सप्लाई कर रही हैं तो वो भी जो सप्लाई करते हैं ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्चुअली मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट इट कैन बी मेड एडिबल। तो जब उसको एडिबल बना दिया जाता है जिस भी फॉर्मेट में तो उसको भी हम गुड्स मानेंगे। ठीक है, तो गुड्स मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स फूड। फूड आपकी इस एक्ट के हिसाब से है, इस एक्ट के हिसाब से अगर आप कुछ लिखना चाहें तो बस इतना ही लिख लीजिए, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड फूड मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड फूड मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है गुड्स की डेफिनेशन हो गई। जब यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन नहीं हुआ करती थी तो गुड्स को हम रेफर करते थे अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट।
क्योंकि जब इस एक्ट में कुछ गुड्स नहीं दिया हुआ था तो अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम देखते थे कि गुड्स का मतलब क्या है. बट क्योंकि अब यहाँ पे हमको डेफिनेशन दी हुई है और इसमें लिखा हुआ है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मुझे एक बात बताओ, आर शेयर्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी? शेयर्स क्या मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं? तो क्या हम शेयर्स को इंक्लूड कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट. बट क्या हम शेयर्स को अलॉटमेंट के पहले इंक्लूड कर सकते हैं? आपने कंपनी को एप्लीकेशन दी कि कंपनी मैं आपके 20 शेयर्स खरीदना चाहती हूँ. कंपनी ने अभी आपको 20 शेयर्स अलॉट किए ही नहीं हैं. क्या वो आपके गुड्स हैं? नहीं. जो शेयर्स अभी एग्जिस्टेंस में आए ही नहीं वो कैसे गुड्स हैं? राइट. तो वो गुड्स हमारे तब होंगे जब वो अलॉट हो जाएंगे. सो वंस द शेयर्स आर अलॉटेड देन यू कैन कॉल देम एज गुड्स. ये चीज़ एक मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास के केस में एस्टैब्लिश भी हुई थी. ठीक है. नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बिफोर वी गो ऑन टू द सर्विस पार्ट, कंज्यूमर वो है जिसने गुड्स खरीदे हैं. हु बाइज, जिसने खरीदा है. बाइज एनी गुड्स इंक्लूड्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. इसके क्लैरिफिकेशन में क्लियरली ये बात लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में कि बाइज एनी गुड्स का मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दोनों होगा. मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से टेली शॉपिंग. आप देखते होंगे अक्सर टीवी खोलते हैं तो कभी कभी ऐड आता रहता है, इसी नंबर को कॉल कीजिए, 799 में आपको ये सब मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो आपने क्या किया? फ़ोन किया और फ़ोन से आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपने गुड्स मंगाए. दैट इज़ ऑल्सो बाइंग द गुड्स. ठीक है. सो कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 कौन है? वो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे. यहाँ पे बिग और है. वो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे, वो खरीद कैसे सकता है? ऑफलाइन भी खरीद सकता है, ऑनलाइन भी खरीद सकता है. कोई भी, जैसे डायरेक्ट सेलिंग, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल, कैसी भी खरीदा फॉर कंसीडरेशन. अब कंसीडरेशन क्या होता है? नाउ कंसीडरेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट. कंसीडरेशन की हमें डेफिनेशन नहीं है. तो अगर हम कंसीडरेशन को समझना चाहें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन की बात कही गई है. समथिंग दैट यू पे और समथिंग दैट यू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और यू डू, तो उसको हम कंसीडरेशन कहते हैं. फिलहाल आप समझ लीजिए कि कंसीडरेशन वही है. कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसीडरेशन. ये कंसीडरेशन हो सकता है आपने ऑलरेडी पे कर दिया हो. मतलब जैसे हमारे प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, हम ऑनलाइन जो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो क्या होता है? द कंसीडरेशन इज ऑलरेडी बीन पेड. ठीक है. आपने जैसे पे कर दिया, उसके बाद गुड्स आपके पास आएंगे. या फिर जो हम COD करते हैं, दैट इज प्रोमिस्ड. देन ऑल्सो आई एम अ कंज्यूमर Because I have bought goods for a consideration only. मैंने 1000 रुपये में कोई भी order place किया है. I have bought goods for a consideration only where I have promised consideration. Okay. Partly paid or partly promised. मतलब कुछ part pay किया है, कुछ part promise किया है. And there is a deferred payment. Deferred payment क्या होती है? जैसे usually हम करते हैं ना, इतने time बाद या EMI pay, इस तरीके से हम payment करेंगे. So that is how we have delayed the payment. That is, in that case also, anyone who is buying the goods will be treated as a consumer only. ठीक है. इतनी चीज़ क्लियर हो गई. हमें पता है गुड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 21. उसके बाद हमें पता चल गया खरीदने का मतलब क्या होता है. खरीदने के मतलब को इंक्लूड किया गया है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ बाइंग, इन द मीनिंग ऑफ बाइंग रादर यू कैन से. ठीक है. इसके अलावा मान लीजिए आपके फादर ने आपको बाइक खरीद के दी. मतलब आपके फादर कंज्यूमर हुए. फादर ने बाइक खरीदी, शोरूम से जाके खरीदी, ऑफलाइन परचेज है, पैसे देके खरीदी, कंसीडरेशन के साथ खरीदी. सो वो क्या हुए? कंज्यूमर हुए.
अब क्या हुआ, आपके फादर कहीं गए आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, वो एक दो साल के लिए कहीं यूएस की ट्रिप पे गए हैं, वो बाइक तो आप यूज कर रहे थे, आपके लिए ही खरीदी थी ना, उस बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई 10 दिन में ही। आप पहुंचे शोरूम में और वहां पे आपने जाके बोला कि ये बाइक देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई। उसने कहा कि आप कौन? उन्होंने समझाया कि देखिए ये बिल है, हमने आपके यहाँ से बाइक खरीदी थी। नहीं नहीं, आपने तो नहीं खरीदी थी बाइक? तो आप बोले कि हाँ मैंने नहीं खरीदी थी, मेरे फादर ने खरीदी थी, पर मेरे लिए ही खरीदी थी। दैट डजंट मैटर एंड दैट शुड नॉट मैटर। बाइक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, आप ये ठीक कीजिए। नहीं नहीं, आप तो कंज्यूमर ही नहीं है ना। तो ऐसे नहीं होगा। क्यों ऐसे नहीं होता है? क्योंकि जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदें, हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, किसी के लिए भी खरीद सकते हैं, किसी के लिए भी खरीद सकते हैं। हो सकता है हम किसी को गिफ्ट करें, या हो सकता है हम किसी को ऐसे ही दें, कोई भी पर्पस हो सकता है। तो कंज्यूमर आप भी होंगे, द वन हु इज़ यूजिंग द बाइक, प्रोवाइडेड आपने वो बाइक चोरी नहीं की है, मतलब यू हैव द लॉफुल राइट ओवर द बाइक। Consumer means in respect of goods, consumer means the user also. User also. Consumer वो भी person है जिसने खरीदा है for consideration. Consumer वो भी person है जो use कर रहा है, मतलब पैसे उसने नहीं दिए हैं पर वो use कर रहा है, with approval of buyer. With approval of this particular person. Buyer is not the word that has been written in the act. With approval of this particular person. मतलब अगर आप बिना अप्रूवल के यूज कर रहे हो, किसी ने बाइक लेके आई, आपने उसकी बाइक चोरी कर ली, आपने कहा मैं भी तो कंज्यूमर हूं, मैं जाके सर्विस लूंगा, मैं जाके कंप्लेन करूंगा, आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। बिकॉज अनलेस, देखो अब हर चीज होता है, मैम पता कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो सारी चीजें जो प्रूव करने की होती हैं कि ये सही और ये गलत, वो कोर्ट में ही होती हैं, ठीक है। वो तभी होती हैं जब आप ऐसे कोई फोरम में, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे आते हो वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट, ठीक है। अगर डिस्प्यूट नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चलती चली जाती हैं, ठीक है। जब डिस्प्यूट होता है तब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सो कंज्यूमर विन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो अ यूजर, इज ऑल्सो अ यूजर जो गुड्स यूज कर रहा है विद दिस पर्टिकुलर पर्सन अप्रूवल। ये लिखा है, इसका मतलब जो लॉफुली एंटाइटल्ड है टू यूज द पर्टिकुलर, दैट पर्टिकुलर गुड विल बी टर्म्ड एज कंज्यूमर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, विच इज कंज्यूमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। नाउ लेट्स कम टू द कंज्यूमर पार्ट अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। दैट मीन्स अगर हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं, यहाँ पे हम गुड्स ले रहे थे तो हमने बोला कि कंज्यूमर कौन होगा। नाउ इफ यू आर टेकिंग सर्विसेज तो फिर कंज्यूमर कौन होगा, उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्विसेज का मतलब क्या होता है। सर्विसेज आती है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में, और इसमें लिखा हुआ है कि हर तरीके की सर्विस इंक्लूडेड होगी। हर तरीके की सर्विस इंक्लूडेड होगी मतलब अगर आप कोई बैंकिंग सर्विस ले रहे हो, मतलब हम बैंक जाते हैं, बैंक हमें क्या देता है, सर्विस देता है, राइट। या आप ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस लेते हो, तो उसमें अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, आपको लगता है कि मैं सर्विस टेकर हूँ या सर्विस रिसीवर हूँ और बैंक क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि कंज्यूमर उसको बोलेंगे जो सर्विस लेता है फॉर कंसीडरेशन। फॉर कंसीडरेशन, बैंक्स हमसे बिना पैसे के सर्विस नहीं लेते हैं, ठीक है, बिना पैसे के हमको सर्विस नहीं, वहां पे तो सारा पैसा ही हम दे देते हैं, ठीक है, तो वो उससे कमा रहे हैं डेफिनेटली। सो देयर इज कंसीडरेशन इन्वॉल्व। सो वी हैव टेकन एनी फाइनेंशियल सर्विस, वी हैव टेकन एनी इंश्योरेंस सर्विस, एनी ट्रांसपोर्ट सर्विस, एनी बैंकिंग सर्विस, एनी इंजीनियर, वो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, बोर्डिंग, लॉजिंग, कोई भी आपकी सर्विस हो। हम मॉल्स में जाते हैं, एंटरटेनमेंट की हम सर्विस लेते हैं, हम घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज लेते हैं, कहीं पे हमारा कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब एनी सर्विस दैट इज़ इंक्लूडेड, दैट इज़ प्रेजेंट इज इंक्लूडेड हियर। पर एक चीज़ का एक्सेप्शन दिया हुआ है, वो क्या दिया है, इफ़ यू आर रेंडरिंग एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। अभी फ्री ऑफ चार्ज की बात को तो हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमने कमर्शियल पर्सनल कैसे यूज़, उसके लिए गुड सर्विस कुछ भी बात नहीं की है, तो अभी तो वो हमें बात करनी बाकी है।
बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस ये क्या है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. मैम किसी से भी अगर हम सर्विस लेते हैं जैसे, तो हम कॉन्ट्रैक्ट तो करते ही भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना. हमने जैसे किसी से इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ली, हम तो उसके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ हमने ट्रांसपोर्ट किया, मुझे यहाँ से सामान अपना शिफ्ट कराना है कहीं और, तो मैंने जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और सामान शिफ्ट कराया, तो क्या मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं उनकी सर्विस ही तो ले रही हूँ, तो मैं कंज्यूमर हुई ना. पर आपने बोला कि इसको सर्विस लेना कहेंगे ही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है उसको हम सर्विस लेना नहीं कहेंगे. मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस नहीं लिखा है. बहुत डिटेल्ड है यहां पे काम. कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर अवेलिंग पर्सनल सर्विस. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब मैं अगर एम्प्लॉयर हूं और मैंने अपने एम्प्लॉयज को हायर किया है, आप वो एम्प्लॉयज भी तो मुझे सर्विस दे रहे हैं, पर मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगी. कंज्यूमर तक तो आप जाने दीजिए, वो जो एम्प्लॉय मुझे मेरे लिए काम कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सर्विस. सो एनी सर्विस विच इज रेंडर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस इज नॉट अ सर्विस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, वो मास्टर और सर्वेंट का ऑब्लिगेशन, मास्टर और सर्वेंट के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें contract of personal service therefore must be construed as excluding the services rendered by an employee to his employer under the contract of personal service from the ambit of expression service. ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई. सर्विस क्या हो गया, हर तरीके की आपकी टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विस जो भी होती हैं. ठीक है, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं सर्विस की डेफिनेशन में. क्या नहीं आता है, एक तो जो आप सर्विस फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हो, जो आप सर्विस फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हो तो आपको फ्री में सर्विस भी चाहिए और उसके बाद आप अपने आप को सर्विस रिसीवर भी समझोगे, किंग समझोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, तो वो सर्विस जो आप फ्री में दे रहे हो, दैट इज नॉट अ सर्विस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, ऑल्दो हम यहाँ पे कंसिडरेशन की बात कर ही लेते हैं, बट दो चीज़ें एक्सक्लूडेड है, पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, दूसरा सर्विस फ्री ऑफ चार्ज. ठीक है, बाकी सारी चीजें हमारी एज इट इज जो हमने गुड्स में पढ़ी वो हम यहां पे पढ़ लेंगे वापस. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो कंज्यूमर वो पर्सन है जिसने कोई सर्विस हायर की है फॉर कंसीडरेशन. दैट कंसीडरेशन में भी पेड, प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड और डेफर्ड पेमेंट का केस हो. ठीक है, या फिर वो पर्सन भी हो सकता है जिसने सर्विसेज अवेल की, मतलब सर्विस को हायर करने वाला कोई और था, अवेल करने वाला कोई और है, हायर करने वाला कोई और था. कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, आपके पेरेंट्स ने किसी टीचर से कांटेक्ट किया और वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे दिस इज़ दी पेमेंट. पेमेंट कहाँ से आई, फादर के यहाँ से आई, मतलब पेरेंट्स के तरफ से आई, और उन्होंने ही आपसे बोला, हमारे बीच का डिस्कशन भी उनके साथ ही हुआ कि ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि ये जो टीचिंग सर्विसेज हैं आप इस पर्टिकुलर मेरे चाइल्ड को रेंडर करें. सो सर्विस देने वाली मैं हूँ. ठीक है, रिसीव मतलब हायर करने वाले, मुझे हायर करने वाले आपके पेरेंट्स हैं और इस सर्विस को अवेल करने वाले आप हो गए. तो यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, बट आप क्या कंज्यूमर नहीं कहलाओगे. अगर आपको कोई कंप्लेन है तो क्या आप मुझसे बोल नहीं सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हो. सो आप भी यहाँ पे कंज्यूमर कहलाओगे. सो कंज्यूमर इन रिलेशन टू सर्विसेज मीन्स एनी वन हु हायर्स सर्विस फॉर कंसिडरेशन और एनी वन हु अवेल सर्विस विद द अप्रूवल ऑफ हायरर.
विद द अप्रूवल ऑफ हायरर. तो यहाँ पे भी आपके पास लॉफुल टाइट वो होना चाहिए. यू शुड बी लॉफुली एंटाइटल्ड टू अवेल दैट पर्टिकुलर सर्विस. इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ें. इतनी बात क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ें. दोनों में एक एक्सक्लूजन है. दोनों केसेस में, आपके गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों में एक एक्सक्लूजन है और लिखा हुआ है बट. ये सबको हम कंज्यूमर कहेंगे. बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन. हम उस व्यक्ति को कंज्यूमर नहीं कहेंगे जिसने ये गुड्स या जिसने ये सर्विसेज कमर्शियल पर्पस के लिए लिए हों. हु बाइज गुड्स और अवेल्स सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है कि ये कमर्शियल पर्पस क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल पर्पस, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर. अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि कमर्शियल पर्पस क्या है, तो जो भी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो आप, वो कमर्शियल पर्पस है. मैंने गुड्स खरीदे रीसेल करने के लिए. होलसेलर मैं कोई इंटरमीडियरी हूँ, मैंने 5 किलो आटा खरीदा, 50 किलो खरीदा और 1-1 किलो करके मैंने पैकेज बना रखे हैं और वो मैं क्या करती हूँ, कंज्यूमर्स को देती हूँ. मतलब जो भी कस्टमर आते हैं मैं उनको देती हूँ, कस्टमर को देती हूँ. तो मैंने जिससे आटा खरीदा, ठीक है, तो आई एम द वन हु हैज बॉट द गुड्स फॉर कंसीडरेशन एंड द कंसीडरेशन इज ऑल्सो पेड. तो आई शुड बी अ कंज्यूमर. बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोटेक्शन को लेने के लिए मैं कंज्यूमर नहीं हूं. मतलब आइडियली मैं भी तो गुड्स ले रही हूं, अगर वो मेरे साथ धोखा करेंगे तो क्या मैं कहीं पे उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती या मुझे उसके लिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी? नहीं, आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको एनफोर्स कराइए. आपके पास रेमेडी है, ऐसा नहीं है कानून ने आपको एकदम अलग कर दिया है कि अरे बिजनेस कर रहे हैं तो क्या मैम हमारे साथ गलत होगा. बिल्कुल नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है. पर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो फोरम है, ये हमारे छोटे कंज्यूमर्स के लिए है. बिकॉज इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे छोटे कंज्यूमर्स को. दे आर पावरलेस, राइट? उनके पास पावर नहीं होती, और ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के पास काफ़ी पावर होती है. तो उन छोटे छोटे कंज्यूमर्स को पावर कौन देता है? दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अगर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, इसने इससे लिया, इसने इसको नहीं दिया, ये आपस के राइवलरी के लिए थोड़ी ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आई. आपका है कि कंज्यूमर, आप तो खुद लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप तो उस कैटेगरी के में आ गए हो, ठीक है? तो आपके लिए ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है? सो हु इज अ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? वन हु बाइज द गुड्स और वन हु यूजेस द गुड्स विद द परमिशन ऑफ बायर, वन हु हायर्स सर्विसेज और वन हु अवेल्स सर्विसेज विद द परमिशन ऑफ हायरर, बट नॉट फॉर कमर्शियल यूज. कोई भी आप गुड्स खरीद रहे हो, कोई भी आप सर्विस ले रहे हो, अगर कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे. बट ये इतना सिंपल नहीं है. इतना सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे देखो लिखा क्या हुआ है. कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या है? कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है ये नहीं दिया है, डज नॉट इंक्लूड used by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. ये क्या बोला? मेरे पास, या मान लीजिए कि मेरे घर के बगल में एक छोटा सा टेलर है, एक छोटा सा टेलर है जिसने एक रूम का अपनी टेलर की शॉप खोली. अब टेलरिंग वो करने वाला है तो उसको मशीन चाहिए ना, टेलरिंग मशीन चाहिए, स्टिचिंग मशीन चाहिए. तो स्टिचिंग मशीन उसने एक शॉपकीपर से जाके खरीदी. ये स्टिचिंग मशीन उसने खरीदी, क्यों खरीदी? अपने घर के कपड़े सिलने के लिए थोड़ी ना खरीदी है, वो टेलर की शॉप खोलने वाला है.
मतलब इस स्टिचिंग मशीन से वो बिजनेस करने वाला है. यू गेट माई पॉइंट? इस स्टिचिंग मशीन से वो बिजनेस करने वाला है. लोग आएंगे, कपड़ा जो भी क्लॉथ है, जिस भी फॉर्म में उसको स्टिच करना है वो स्टिच करेगा और लोगों को प्रोवाइड करेगा. तो ये मशीन अगर उसने अपने घर के लिए खरीदी होती, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए खरीदी होती, तब तो हम उसको कंज्यूमर बिना कुछ सोचे समझे बोल देते, क्योंकि उसने पैसा दे के गुड्स खरीदा है और मूवेबल गुड्स है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पर हम जब यहां से पहुंचे, टेलर ने मशीन खरीदी, कंसीडरेशन पे खरीदी, पर डज नॉट इंक्लूड द वन हु बाइज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस. उसने तो बिजनेस के लिए ही खरीदी है, मतलब वो उस गुड्स से या वो उस सर्विसेज से पैसे बनाने वाला है, प्रॉफिट बनाने वाला है, कमर्शियल यूज करने वाला है उसका, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं बोल सकते. ऐसा हमने पढ़ा अभी तक डेफिनेशन में. पर जब हम इस कमर्शियल पर्पस के एक्सप्लेनेशन पे गए तो वहां पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, डज नॉट इंक्लूड पर्सन यूजिंग टू अर्न लाइवलीहुड अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर अपनी रोजी रोटी के लिए ये मशीन लेके आया है. दैट मीन्स टेलर डज नॉट हैव एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम. ऐसा नहीं है कि मेरे पास 50 बिजनेस है और उसके बाद मेरा एक 51 बिजनेस शुरू हो रहा है और अब मैं टेलर की दुकान बनाने वाला हूँ. तो मेरे रोजी रोटी के लिए मैंने ये मशीन खरीदी. आई टोल्ड यू द इंटेंट. आप इंटेंशन अगर समझोगे तो आपको सारे प्रोविजन समझ में आएंगे. इंटेंशन क्या था? टू प्रोटेक्ट द स्मॉल कंज्यूमर्स. अरे मैं अपने घर में यूज कर रही हूँ मशीन, तो मैं कंज्यूमर हूँ और मैं कंज्यूमर फोरम में जा सकती हूँ, मतलब मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकती हूँ, जो इनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह बने हुए हैं सबको अकॉर्डिंगली मैं काम कर सकती हूँ. पर अगर ये मशीन मैंने खरीदी है टेलरिंग के लिए, अरे मैंने तो अपने सारे पैसे लगा के वो मशीन खरीदी और मैंने सोचा कि इससे मेरा गुजारा हो जाएगा, बट अब आपने कहा कि मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकती, तो अब मैं कहाँ कोर्ट वोर्ट में जाऊँगी? आप ही के जैसे कहते बेनिफिट के लिए तो ये एक्ट बनाई गई है. तो इनको अगर हम इस पॉइंट को अगर हम कमर्शियल पर्पस बोल देंगे तो ये कमर्शियल पर्पस नहीं है अकॉर्डिंग टू द एक्ट. मतलब अगर आप कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड को उस मीडियम से अर्न कर रहे हैं, इफ़ यू हैव 10 डिफरेंट बिजनेसेस और आप फिर ये काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं माना जाएगा, तो वो कमर्शियल पर्पस ही कहलाएगा. बट इफ यू आर अर्निंग लाइवलीहुड, यू गेट माई पॉइंट, देन दिस इज नॉट अ कमर्शियल पर्पस. देन दिस इज नॉट अ कमर्शियल पर्पस. अब एक बात और सुनो. टेलर ने वो मशीन खरीदी, बट टेलर ने क्या किया, दो लोगों को और रखा और वो लोग इस मशीन पे काम कर रहे हैं. क्या अब कमर्शियल यूज़ है? अभी भी नहीं है, क्योंकि ठीक है एक दो लोगों की वो मदद ले रहा है, एक दो लोगों की मदद ले रहा है ताकि वो काम कर सके. उसके पास इतना ज़्यादा काम है कि उसको एक दो लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट मान लीजिए यही अंबानी ने 40 मशीन्स खरीदी, 40 मशीन्स खरीद के 40 लोगों को हायर कर दिया और वो कुछ स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसको आप कमर्शियली बुटीक आपने खोला हुआ है, तो क्या वो कमर्शियल पर्पस नहीं है? बिल्कुल कमर्शियल पर्पस है. कैसे आप उनको ये बेनिफिट दे सकते हो ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? सो अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द एक्ट. ठीक है, इससे जुड़े हुए हमारे पास कुछ केस लॉज हैं, द इंपॉर्टेंट वंस वी आर डिस्कसिंग. सी, परचेज ऑफ गुड्स कैन बी सेट टू बी फॉर अ कमर्शियल पर्पस ओनली इफ द गुड्स हैव बीन यूज्ड और आर बीइंग यूज्ड इन सम प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल. And there is close and direct nexus between the purchase of goods and profit making activity. So directly आप trace कर पाओ, ऐसा कुछ होना चाहिए और साथ साथ profit कमाना होना चाहिए on a large scale. So then you will say this particular thing as
कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अभी जब हम केस लॉज डिस्कस करेंगे सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। कंज्यूमर कौन है? जिसने गुड्स खरीदे हैं फॉर कंसीडरेशन, जो गुड्स यूज कर रहा है इनकी परमिशन के साथ। जिसने सर्विस खरीदी है फॉर कंसीडरेशन या वो सर्विस अवेल कर रहा है इनकी परमिशन के साथ, बट डज नॉट इंक्लूड द वन हु इज बाइंग और हु इज अवेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस में वो पर्सन नहीं आएगा, वो सिचुएशन नहीं आएगी व्हेन somebody इज अर्निंग लाइवलीहुड, ठीक है। तो कमर्शियल पर्पस हम तभी बोलेंगे जब आप वो गुड्स यूज कर रहे हो फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड इन लार्ज स्केल, एंड देयर इज अ डायरेक्ट नेक्सस, ठीक है। चलो सबसे पहला केस लॉ, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, ठीक है। अब ये आपको जो सेक्शन वगैरह दिखेगा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एक्ट, बट दिस केस लॉ इज स्टिल रेलिवेंट, ठीक है। तो आप सेक्शंस को कंपेयर मत करिएगा बिकॉज आपको दिखेगा कि ये ओल्ड एक्ट के हिसाब से है। इसमें ऑब्जर्व क्या किया गया कि जब भी कोई पर्सन कमर्शियल पर्पज के लिए कोई भी सामान खरीदता है तो दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्कमस्टांसिस वी नीड टू डिसाइड कि ये कमर्शियल पर्पस है या कमर्शियल पर्पस नहीं है। अगर वो खुद के लिए खरीद रहा है जो एग्जैक्टली अभी हमने समझा दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो, दैट इज़ कि अगर वो अपना लाइवलीहुड खरीद के लिए कोई भी गुड्स खरीद रहा है तो ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर और वो कमर्शियल पर्पस नहीं होगा। अगर उसने एक दो लोगों की मदद ली टू ऑपरेट द मशीन, जैसे मैंने आपको टेलर का एग्जांपल दिया, वो फिर भी कंज्यूमर होगा। पर अगर वो जैसे मैंने आपको अंबानी का एग्जांपल दिया कि वो खुद थोड़ी ना आके मशीन चला रहे हैं और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने आप को दे रहे हैं, नहीं, ही इज़ हायरिंग अ गैंग और उनको अपॉइंट कर रहे हैं टू हैंडल दैट पर्टिकुलर मशीनरी, देन ही विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर, ठीक है। सो इफ़ यू आर टेकिंग असिस्टेंस दैट इज़ ओके, बट इफ यू आर ऑल टुगेदर अपॉइंटिंग समबडी एल्स टू डू सम टास्क, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो यू मे बी अर्निंग लाइवलीहुड through self-employment, then you will still be called as a consumer. Otherwise, अगर commercial purpose के लिए आप use कर रहे हो तो आप consumer नहीं कहलाओगे। तो जो exactly अभी हमने machinery की बात की थी that has been established in Lakshmi Engineering Works versus PSG Industrial Institute. इसके बाद अगला केस लॉ हमारा भूपेंद्र जंग बहादुर गुना versus regional manager and others. इसमें इतनी बात बोली गई कि tractor खरीदा अगर आपने टू टिल द लैंड इट विल नॉट अमाउंट टू कमर्शियल यूज। मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा है, मेरा खेत है, खेत को लैंड को टिल करने के लिए हम ट्रैक्टर खरीदते हैं ना। सो अगर उस पर्पज के लिए खरीदा है मैंने एंड उसको मैं आइडल टाइम में लेट आउट भी करती हूँ, देन स्टिल आई विल बी अ कंज्यूमर। मतलब मैंने एक ट्रैक्टर लिया है, मैं उसको लैंड टिल करने के लिए यूज़ करती हूँ, मान लीजिए एक महीने के लिए वो फ्री है तो एक महीने के लिए मैंने किसी उस ट्रैक्टर को रेंट पे किसी और को दे दिया। मैंने ख़रीदा था अपने पर्सनल यूज़ के लिए और उसी से मेरा लाइवलीहुड अर्न हो रहा है। अगर वो फ्री था एक महीने के लिए मैंने दे दिया, आई विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर, ठीक है, वो कमर्शियल पर्पस नहीं कहलाएगा। ओके इसके बाद एक आपका केस है ए नरसम्मा वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। अब देखो जब ऊपर हमने देखा है सर्विस की अगर हम बात करें, एक पर्सन ने एलआईसी ली, अब इस पर्सन की डेथ हो गई तो आइडियली ये जो पॉलिसी का अमाउंट होता है ये किसको जाता है, ये किसको जाना चाहिए? नॉमिनी ऑफ एक्स, यहाँ पे मान लेते हैं वो है मिसेज एक्स, ठीक है।
तो अगर LIC वाले अपनी सर्विसेज ठीक से नहीं कर रहे हैं और मिसेस एक्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, तो क्या मिसेस एक्स बीइंग अ कंज्यूमर कुछ कर सकती हैं या उनके पास कोई अधिकार होगा? विल शी बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर? यस यस शी विल बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर. ठीक है, तो कंज्यूमर बेनिफिशियरी को इंक्लूड करता है, जिसको हम बोलते हैं ना यूजर ऑफ सर्विस, वन हु अवेल्स द सर्विस विद द परमिशन ऑफ द हायरर, तो यहाँ पे वो इंक्लूड हो गई. और उसके बाद है लक्ष्मी बेन लक्ष्मी चंद शाह वर्सेस सकर बेन कांजी चंदन एंड अदर्स. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टेनेंट एंटरिंग इनटू लीज एग्रीमेंट विद द लैंडलॉर्ड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर. Where there is no provision in the lease agreement in respect to cleaning, repairing, maintaining the building, the rent paid by tenant is not the consideration for availing these services and therefore no question of deficiency in service. Tenant को हम consumer नहीं मान सकते हैं. देखो इस law के इस case law के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपने कोई घर लिया है रेंट पे. अब रेंट पे जब हम घर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आज यहाँ से ये प्रॉब्लम है, आज यहाँ पे ये लीकेज है, आज यहाँ पे वो लीकेज है, ऐसा है वैसा है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दिस इज़ अ मेजर क्वेश्चन. और दो अब रेंट एग्रीमेंट्स में क्या होता है, सारी चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं और लिखी हुई होती हैं, बट फिर भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, मान लीजिए कोई एक कबर्ड का हैंडल टूट गया, अब आप क्लेम कर रहे हैं कि ये तो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लैंडलॉर्ड को इसको फिक्स करके देना चाहिए. लैंडलॉर्ड बोलेगा यू आर ओनली पेइंग मी रेंट, आप मुझे सिर्फ रेंट दे रहे हैं फॉर स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर हाउस एंड आप मुझे रेंट इस रिपेयर सर्विसेज के लिए नहीं दे रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए आप कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं उसके नाम पे, तो व्हाई विल आई गेट दिस फिक्स्ड? तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो आप ऐसे ही रहिए. तो इस सिचुएशन में बोला गया कि ये जो टेनेंट है इसको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ रहने की सर्विसेज ली हैं और उसके लिए ये रेंट दे रहे हैं. हाँ, अगर आपने कोई एजेंसी या कोई मेंटेनेंस के लिए आपने पैसे दे रहे हो और मेंटेनेंस की भी आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, आपका ऐसा बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, देन यू कैन बी ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, सो इफ वी सम दिस अप, हमको समझ में क्या आ रहा है कि कंज्यूमर कौन होता है? गुड्स का अगर आपने खरीदे हैं तो भी आप कंज्यूमर हैं, सर्विसेज आपने ली हैं तो भी आप कंज्यूमर हैं. कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर आपने गुड्स या सर्विस दिया है तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे. ठीक है, और उस कमर्शियल यूज को अच्छे से समझना जरूरी है. सो देयर कैन बी डिफरेंट केसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इंटेंशन याद रखेंगे तो सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे. इंटेंशन क्या है? लार्ज स्केल पे जो लोग काम कर रहे हैं और कमर्शियली काम कर रहे हैं उनको हम हटा देंगे. सो दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ प्योरली कमर्शियल यूज, सो दे आर नॉट कंज्यूमर, उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा. जो छोटी स्केल पे काम कर रहे हैं, अपना रोज गुजारा करने के लिए काम कर रहे हैं, वो फिर भी कंज्यूमर कहलाएंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस, और वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर भी वो कंज्यूमर कहलाएंगे. और अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर हम अपने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, तब तो हम कंज्यूमर हैं ही हैं, राइट? सो इतनी बात समझ में आ गई कि कौन कंज्यूमर है.